हाय एवरीवन, मैं रिचा गिरी। इस वीडियो में हम साइट वर्ड्स पढ़ेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है हमारे सीटीईटी एग्जाम में। अगर फर्दर कोई क्वेश्चन आएगा तो आई एम श्योर कि आप 100% एक्यूरेसी के साथ उसे अटेम्प्ट करेंगे इस वीडियो देखने के बाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए, स्पेशली उन तक जिन तक नहीं पहुँच पा रहा है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए विद द बेल आइकन। तो आगे बढ़ते हैं। जब छोटा बच्चा टीचर से पढ़ना स्टार्ट करता है तो टीचर कुछ वर्ड्स को स्टूडेंट से फैमिलियर बनाते हैं। वो चाहते हैं कि बिना वर्ड्स को डिकोड किए हुए स्टूडेंट फ्लुएंटली और ऑटोमेटिकली केवल देखते मात्र ही उसका प्रोनाउंसिएशन करे, उसे बोले। तो ये ऐसे ही वर्ड्स हैं। दीज आर हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स दैट शुड बी रेड फ्लुएंटली एंड ऑटोमेटिकली अपॉन साइट। तो देखते मात्र ही फ्लुएंटली और ऑटोमेटिकली वो प्रोनाउंस करें। इस वर्ड को सेपरेट नहीं किया जाता है और ये वर्ड को ज़रूरी नहीं है स्पेलिंग के अकॉर्डिंग बोला जाए। जैसे हम ए को बोलते हैं ए या ए, बी को ब, सी को क, डी को ड, तो ये फोनेटिक का साउंड है। तो ये वर्ड्स रेयरली फोनेटिकली साउंडेड होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अ को बोलते हैं ए, बी को ब, डी को ड, सी को क, एटसेट्रा कहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इनकी स्पेलिंग जो है वो इनके साउंड से मैच करे। द रीडर रिकॉग्नाइजेज एंड फाइंड्स मीनिंगफुल ऑन साइट विदाउट अ कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस। ये वर्ड्स को रीडर रिकॉग्नाइज कर लेते हैं देखते मात्र ही, और ये वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने में बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस के। इन वर्ड्स की संख्या 1 से 300 के बीच में है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसे हम देख सकते हैं। यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल देखें एच ई और टी एच ई को, तो यहाँ बस टी का डिफरेंस है दोनों में, बट दोनों को प्रोनाउंस काफ़ी डिफरेंटली किया जाता है। एच ई को हम ही कहते हैं और टी एच ई को द, इसलिए कहा जाता है कि फोनेटिकली डिफरेंट साउंड करते हैं। कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं साइट वर्ड्स के। दे आर कॉमनली फाउंड इन इंग्लिश टेक्स्ट, तो ये इंग्लिश टेक्स्ट में हमें मिलते हैं। जैसे एंड द, पेज में अगर 100 वर्ड्स हैं तो 40 to 50 वर्ड्स साइट वर्ड्स होते हैं और वो सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाते हैं। मैनी डू नॉट फॉलो टिपिकली स्पेलिंग रूल्स, दे आर फोनेटिकली इरेग्युलर, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल ही और द का दिया था। नेक्स्ट, साइट वर्ड्स आर मोस्टली प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड कॉमन वर्ब्स। नेक्स्ट, जनरली स्पीकिंग दे आर सर्विस वर्ड, दे गिव मीनिंग एंड डायरेक्शन, जैसा कि मैंने बताया कि ये मीनिंग देते हैं सेंटेंसेस में, डायरेक्शन बताते हैं कि कैसे लिखना है या किस डायरेक्शन में जा रहा है सेंटेंस। इन्हें सर्विस वर्ड्स भी कहा जाता है। दे आर डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रिप्रेजेंट विद पिक्चर, एग्जाम्पल दैट वॉज, तो ये वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें हम पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे डैट लिखना हो तो डैट के लिए कोई पिक्चर हम नहीं लगा सकते हैं, या वॉज लिखना हो, वॉज के लिए हम कोई पिक्चर नहीं लगा सकते हैं। नाउन साइट वर्ड्स नहीं होते हैं, बट इसका भी एक्सेप्शन है, जैसे टाइम और थिंग, ये साइट वर्ड हुआ। साइट वर्ड्स डेवलप होते हैं मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में, और वो दूसरे वर्ड्स को भी हेल्प करते हैं सेंटेंस में, सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने में और उसके कंस्ट्रक्शन को अच्छा बनाने में। तो ये था साइट वर्ड्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, स्पेशली उन तक जिन तक नहीं पहुंच पा रहा है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए विद द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।